हाल ही में इंटरनेट पर एक न्यूज आग की तरह फैल जाती है, जहां पुणे के रहने वाले एक रईस बाप की औलाद ने अपने करोड़ों की पोर्शे कार से बाइक पर सवार दो लोगों को बुरी तरह उड़ा दिया। पुणे में 17 साल का बच्चा शराब पी के पोर्श गाड़ी चलाता है, दो लोगों को मार देता है, जिसमें 24 साल के दोनों सॉफ्टवेयर इंजीनियर अनीश अवधिया और अश्विनी कोश्ता की ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। लेकिन वहीं इस घटना के बाद गुस्साई पब्लिक ने न सिर्फ 17 साल के पोर्शा ड्राइवर को धर दबोचा, बल्कि उसके अच्छे से पिटाई करके उसे पुलिस के हवाले कर दिया। लेकिन ये मामला तूल तब पकड़ता है जब जुवेनाइल कोर्ट न सिर्फ उस बिल्डर के लड़के को 15 घंटे के अंदर बेल दे देता है, बल्कि उसको सजा के तौर पर सिर्फ 300 वर्ड का ऐसे लिखने की सजा सुनाई जाती है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार हमारा जस्टिस सिस्टम इतना कमजोर है कि मिडिल क्लास फैमिली की दो जानों की कीमत अमीर इंसान के एक ऐसे से चुकाई जा सकती है, और आखिरकार उस 17 साल के लड़के को पुलिस की हिरासत के बाद भी पुलिस स्टेशन में उसे VIP ट्रीटमेंट दिया गया। और तो और क्राइम ब्रांच की इन्वेस्टिगेशन के बाद ऐसा क्या पता चला जिसमें उस लड़के के साथ साथ उसके पिता और यहाँ तक दादा तक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। तो इस घटना की असल में शुरुआत होती है 19 मई 2024 को, जब पुणे के एक काफी बड़े बिल्डर का 17 साल का बेटा अपने CBSE रिजल्ट में पास होने के बाद पुणे के कल्याणी नगर एरिया में पार्टी करते हुए लौटता है, और जिस पब में उस लड़के ने पार्टी करी थी उसकी CCTV फुटेज से ये पूरी तरह से क्लियर था कि इस एक्सीडेंट के 17 साल का कल्प्रिट नशे में पूरी तरह से धुत था। इसी वजह से घर लौटते वक्त जब उनका ड्राइवर ये देखता है कि 17 साल का अक्यूज्ड असल में शराब के नशे में इतना धुत है कि वो गाड़ी नहीं चला सकता, और उसके बावजूद भी वो ड्राइवर को इंसिस्ट करता है कि गाड़ी वो खुद ही चलाएगा, तो फौरन ही ड्राइवर उस बिल्डर फादर को फोन लगाता है। लेकिन हैरानी तो तब होती है जब अमीर बिल्डर फादर अपने लड़के को रोकने की बजाय ड्राइवर से ये बोलता है कि उसको गाड़ी चलाने दो। फिर क्या था, वो 17 साल का माइनर न सिर्फ नशे की हालत में गाड़ी चलाता है, बल्कि 200 किलोमीटर जितनी तेज रफ्तार में रैश ड्राइविंग करते हुए बाइक पर सवार 24 साल के दो सॉफ्टवेयर इंजीनियर अनीश और अश्विनी को अपनी तेज रफ्तार गाड़ी से उड़ा भी देता है, जिसमें एक विक्टिम की ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है और दूसरा हॉस्पिटल में अपना दम तोड़ देता है। इस घटना के फौरन बाद ही आसपास की जनता भड़क जाती है और 17 साल के अक्यूज को पीट कर पुलिस के हवाले कर देती है, ये सोचते हुए कि अब उनको शायद इंसाफ मिलेगा। इसके अलावा दोनों विक्टिम जिनकी मौत हुई थी उनके एक फ्रेंड इस एक्सीडेंट की FIR लॉन्च करवाते हैं और पुलिस उस 17 साल के माइनर को हिरासत में ले लेती है। लेकिन हैरानी की बात तो ये होती है कि ना सिर्फ उस 17 साल के अमीर बाप के लड़के को पुलिस स्टेशन में VIP ट्रीटमेंट मिलता है, बल्कि एक्सीडेंट के बाद उसे पुलिस स्टेशन में पिज्जा और बिरयानी तक सर्व करी जाती है। हालांकि पुलिस ऑफिसर बाद में इस आरोप को डिनाय कर देते हैं कि उस रात एक्सीडेंट के बाद पुलिस स्टेशन में कोई पिज्जा पार्टी हुई थी। और तो और ये भी कहा जाता है कि इस एक्सीडेंट के एक घंटे बाद पुणे के एक लोकल MLA भी पुलिस स्टेशन विजिट करते हैं, जिनके इन्फ्लुएंस के बाद जाकर ही जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड एक्सीडेंट के 15 घंटे के अंदर ही उस 17 साल के लड़के को न सिर्फ बेल दे देता है, बल्कि पनिशमेंट के तौर पर उन्हें 300 वर्ड का ऐसे रोड एक्सीडेंट पर और 15 दिन ट्रैफिक पुलिस के साथ काम करने की कंडीशन पर छोड़ा जाता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब इस केस की भनक लोगों को पड़ती है और हर कोई इस केस को लेकर सोशल मीडिया पर जस्टिस मांगता है, और पब्लिक के दबाव के बाद ही हमारा सिस्टम इस केस को लेकर सीरियस होता है, जिसके बाद न सिर्फ उस 17 साल के कल्प्रिट की बेल को कैंसिल कर दिया जाता है, बल्कि उस बिल्डर फादर को और उस पब के एम्प्लॉयज को भी हिरासत में ले लिया जाता है। और तो और पुणे एक्साइज डिपार्टमेंट पब को भी माइनर को अल्कोहल सर्व करने की वजह से सील कर देता है। और इस केस के इतना हाईलाइट होने के बाद MLA साहब भी ये बोलते हैं कि उस रात वो पुलिस स्टेशन किसी भी तरह का दबाव नहीं, बल्कि ये बताने गए थे कि जो भी इस केस में दोषी है उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाएं। इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन में ये भी पता चलता है कि इस केस को जानबूझकर कमजोर करने के लिए कल्प्रिट के ब्लड सैंपल लेने को 8 घंटे तक डिले किया गया था, ताकि ब्लड में प्रेजेंट अल्कोहल यूरिन के थ्रू पास हो सके। और तो और बिल्डर फादर ने डॉक्टर को ये भी दबाव बनाया था कि वो ब्लड सैंपल को ही बदल दे। इसी वजह से उस बार के CCTV फुटेज के बाद भी कल्प्रिट के ब्लड रिपोर्ट में अल्कोहल कंजप्शन नेगेटिव ही आया है,
और तो और क्राइम ब्रांच की इन्वेस्टिगेशन के बाद पुणे पुलिस उस माइनर 17 साल के लड़के के ग्रैंडफादर को भी अरेस्ट कर लेती है, क्योंकि उसके ग्रैंडफादर और फादर दोनों पर ही ये आरोप थे कि उन्होंने जबरदस्ती ड्राइवर का फोन अपने पास रख लिया और उसे जानबूझ करके घर के अंदर पकड़ के रखने की कोशिश करी ताकि वो लोग मिलकर इस केस को ऐसा मोड़ दे सकें कि उस रात कार को उनका ड्राइवर चला रहा था, ना कि उनका लड़का। और ग्रैंडफादर जो इस केस में उस लड़के के गारंटर भी हैं, तो उनको हिरासत में लेते ही ये केस एक बार फिर से एक नया मोड़ लेता है, जब ग्रैंडफादर का कनेक्शन मशहूर गैंगस्टर छोटा राजन के साथ जुड़ता है। और तो और ये पता चलता है कि शिवसेना के अजय भोसले हत्याकांड में भी उसके ग्रैंडफादर का लिंकअप था। फिर क्या था, ये सुनते ही शिवसेना आग बबूला हो जाती है और पुणे पुलिस कमिश्नर को ही हटाने की बात करती है, क्योंकि शिवसेना के हिसाब से पुलिस ने इस केस में गलत रिपोर्ट बनाने की कोशिश करी है। इस टाइम पर उस लड़के के साथ साथ उसके फादर, ग्रैंडफादर और यहां तक कि पब के एम्प्लॉयज भी सभी हिरासत में हैं और उन पर अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जहां पर बिल्डर फादर ने अपनी टेस्टिमनी में ये बताया है कि उस रात कार ड्राइवर ही चला रहा था और वही जिन दो सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत हुई है, उनके परिवार वालों ने ये डिमांड रखी है कि सुप्रीम कोर्ट खुद ही इस केस पर कड़ी नजर रखे और उन्हें जल्द से जल्द इंसाफ मिले। लेकिन अब आप लोगों को ये बता दें कि हर साल सिर्फ इंडिया में ही रोड एक्सीडेंट की वजह से 19 मौतें हर एक घंटे हो जाती हैं, जिसमें से ज्यादातर मौत की वजह रेकलेस ड्राइविंग, ओवर स्पीडिंग और शराब पीकर गाड़ी चलाना ही होती हैं। और इसी कारणों की वजह से सिर्फ 2022 में इन रोड एक्सीडेंट की वजह से 1.68 लाख लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी, जिसमें से 1500 केसेस ड्रंक एंड ड्राइविंग के ही थे। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि सरकार ने कौन से स्टेप उठाए हैं इन रैश ड्राइविंग केसेस को रोकने के लिए, क्योंकि अगर एक आम आदमी सिर्फ हेलमेट लगाना भूल जाता है तो ना सिर्फ उसको चालान भरना पड़ता है, बल्कि सेक्शन 129 के अंडर बिना हेलमेट गाड़ी चलाने पर ट्रैफिक पुलिस आपके ड्राइविंग लाइसेंस को सस्पेंड और आपकी गाड़ी सीज तक कर सकती है। और तो और इंडिया ही के कुछ स्टेट में तो बिना हेलमेट गाड़ी चलाने पर आपको 3 महीने जेल के अंदर सजा तक हो सकती है। लेकिन वहीं अगर आपके पास पैसा और आप बड़े बाप की औलाद है, तो उस केस में अपनी गाड़ी से 2 लोगों की जान लेने पर भी आपको सजा के तौर पर सिर्फ और सिर्फ 300 वर्ड का ऐसे लिखने को ही मिलता है। तो आखिरकार सवाल ये उठता है कि इस केस में असली कल्प्रिट कौन है, 17 साल का लड़का जिसने शराब पी कर गाड़ी चलाई और 2 लोगों की जान ले ली, या फिर उसके पेरेंट जिन्होंने माइनर होने पर भी उसे गाड़ी चलाने दी, या फिर सिस्टम जिसने इतने बड़े एक्सीडेंट के बाद भी सिर्फ इसलिए ढील बरती क्योंकि वो बड़े बाप की औलाद था। शायद इसका जवाब हम में से किसी के पास भी नहीं होगा। और जैसे कि मैं अपनी हर एक एक्सीडेंट रिलेटेड वीडियो में बताता हूँ कि एक एक्सीडेंट किसी के साथ भी हो सकता है, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर बार एक्सीडेंट शराब के नशे में और रैश ड्राइविंग की वजह से ही हो। लेकिन सवाल यह है कि अगर किसी आम आदमी से गलती से इसी तरह का एक्सीडेंट हो जाए, तो उस केस में भी क्या हमारा सिस्टम एक आम आदमी को इसी तरह के प्रिविलेज देगा कि नहीं? ये सवाल आपसे है, जिसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और तो और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो इस जैसे और फेमस केसेस की वीडियो मैंने अपने चैनल पर बनाई है, आप उनको जरूर चेकआउट करिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।